हाँ जी ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये आपको मैंने कितनी बार लिखाया है, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ध्रुव कल भी बोल बताया आपको, क्या डिफरेंस है बोलो। स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, आप भी हिसाब थे कल, हाँ बताओ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इनको मैंने 10 बार बता चुका हूँ, ट्रेनिंग कल आपको डेफिनेशन भी लिखाई है इसके, फिर अभी भूल गए हो आप। आपको मैंने कितनी बार बोला है बेटा आप फिजिकल एजुकेशन प्लस टू पास आउट करके जा रहे हो, आपको यही नहीं पता व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। क्या बोलोगे आपने, 2 इयर्स यू आर स्टडिंग दिस फिजिकल एजुकेशन एंड यू डोंट नो एबीसी अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बुकिश नॉलेज इज नॉट एनफ। 2 साल आपने किसी सब्जेक्ट पे लगाए, आपको अगर उसका बेसिक्स का नहीं पता है देन नो यूज। आपको सिंपल मैंने कहा है, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग इज गेनिंग नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस टिल बर्थ एंड कहा होता है इसका डेथ तक, वो आदमी सीखता जाता है। आपने कोई भी चीज सीखनी, दैट इज अ लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, दैट इज अ ट्रेनिंग। आप किसी भी चीज की स्पेसिफिक आपने नॉलेज लेनी है, उसको सीखना है, that is a learning skills, that is a training of particular। suppose if you are going for any, आपने physics की class लगाने जाते हो, chemistry की जाते हो, different teachers के पास जाते हो ना, 8th 10th तक आप एक ही teacher से सब कुछ पढ़ लेते हो, 8th तक बच्चा आपको science वाला सब कुछ पढ़ा देगा, but after that क्या होता है, 9th 10th के बाद there is a specific teacher for specific subjects, होता है ऐसे कि नहीं, same in the case of sports। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या, इट इज ए स्पेसिफिक वेल प्लान, इसको लिख लो बेटा पहले। मैं तो हरा हूं कितनी बार तुमको ये बता दिए, तो आपको ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है। तुम वहां जाके बोलोगे किससे पढ़ के आए हो आप लोग, आपको यही नहीं पता स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज अ लर्निंग एंड गेटिंग नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। That is a theoretical and practical knowledge you can write. Training is a theoretical and practical knowledge of any subject. जिसकी आप specific coaching लेते हो, वो that is your training part. वो कोई भी game हो सकता है, कोई भी skills हो सकती है। But when we comes to the sports, गेम्स फिजिकल एजुकेशन वेयर देर इज ए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इट मीन्स राइट डाउन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इट इज अ वेल प्लान सिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन साइंटिफिकली लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी टू गेट द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट। और हाइएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट वेन एंड द सेम थिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, हमने क्या करना है, एक हमने प्लान आउट करना है सिस्टमेटिक तरीके से करना है और बेस्ड अपॉन ए साइंटिफिकली मेथड्स डिफरेंट लेटेस्ट टेक्निक्स इक्विपमेंट्स ग्राउंड कंडीशन स्किल्स ये सारी चीजें उसमें आएगी।
जब तक आपकी ट्रेनिंग में साइंटिफिकली एडवांस, जिसको हम बोलते हैं ना एडवांस ट्रेनिंग, अब दो बच्चे हैं बिगिनर्स हैं, अगर एक बच्चा बहुत अच्छा खेलता है दूसरा ठीक ठीक है, तो हम दोनों को एक कोचिंग नहीं देंगे। समझ आ गई बात? आप अगर उनको दोनों को एक स्टेज पे एक सी कोचिंग देंगे, जो टैलेंटेड बच्चा वो तो वहीं पे रह गया ना, आपको उसके लिए समथिंग यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा कोचिंग, उसको एडवांस कोचिंग देनी पड़ेगी। दैट इज अप टू द लेवल ऑफ दैट पर्सन, दैट ट्रेनीज, दैट स्पोर्ट्स पर्सन। आपने कहीं देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम इंटरनेशनल लेवल पे क्लिक कर जाते हैं। इफ यू हैव सीन द रिकॉर्ड ऑफ दिस रिसेंटली ओलंपिक गेम्स, यू हैव सीन द मेनी, आपको जिमनास्टिक के, स्विमिंग के 15 इयर्स 14 इयर्स। आपकी एज कितनी है? 18 है। आप सोचो ओलंपिक में किसी भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इट्सेल्फ ए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अगर आप ओलंपिक में क्वालिफाई करते हो, ओलंपिक का मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया टीम में हूं एंड आई एम क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक। ये पता है आपको क्या, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू क्वालिफाइंग? ट्रायल्स, वर्ल्ड लेवल में अचीवमेंट होगी तब तो आप मेडलिस्ट हो गए। अगर आपकी वर्ल्ड लेवल में अचीवमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली यू आर क्वालिफाइंग। किसके साथ होंगे आप? इंडिया टीम के मेंबर हो, पंजाब का, राजस्थान हो गया, तू इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गया, ठीक है, विल यू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक? ओलंपिक में क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया होता है, देर इज ए नॉर्म एंड कंडीशन दैट यू हैव टू क्वालिफाई। सपोज इफ यू आर अ स्प्रिंटर एथलेटिक्स में, तो वहां पे क्वालिफाइंग आपको होगा, इतने मीटर आप थ्रो करोगे देन यू आर क्वालिफाइंग। मैं अपनी कंट्री का बेस्ट एथलीट हूं जी और मेरी 10 मीटर की वहां पे थ्रो है, आई एम नॉट क्वालिफाइंग। समझ गए हो ना? एक वर्ल्ड लेवल पे क्वालिफाइंग एरिया होता है, जैसे आपने सपोज सिंपल एग्जांपल, आपको अगर आप कहीं पुलिस में, आर्मी में, किसी भी फोर्स में जाते हो मेडिकल के लिए, ग्राउंड टेस्ट आपका होता है, तो वहां पे क्या होता है, 1600 मीटर आपने इतने मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप आपने इतना मीटर होना चाहिए, वो पूरा नॉर्म्स एंड कंडीशन होगी। आपकी हाइट मिनिमम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, वो पहले ही आप हाइट का रख लेंगे। अगर आपकी हाइट नहीं होगी वो आपको सीधा एग्जिट वाले गेट से बाहर भेज देंगे, ठीक है। वहां पे लाखों लोग आते हैं, वहां पे आप उनका एक एक चीज नहीं देखोगे। आपने देखा होगा ना, जब भी अभी पंजाब पुलिस की देखना भर्ती होती है तो वहां पे मतलब इतने बच्चे आते हैं, पूछो ना, अभी लोग लगे हैं, लड़कियां, सारे लड़के लगे हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट है, ठीक है। तो वो उसके लिए वो साल साल पहले ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पे क्राइटेरिया रखा है उन्होंने। पहले क्राइटेरिया में आप देखोगे अगर आपकी हाइट नहीं है, फिर आपका जो जितने ग्राउंड टेस्ट है अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हो, स्टेट में आप बाहर, आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। सेम इन द केस ऑफ गेम्स, जो टॉप टीम्स होती हैं आपकी, जैसे लास्ट ईयर की जो आपकी रनर्स अप है, विनर्स हैं, या फर्स्ट फोर है, फर्स्ट सिक्स है, वो क्राइटेरिया के हिसाब से क्वालिफाई कर जाती है, क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं फॉर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। सेम आपका जो थ्रोइंग इवेंट होते हैं जहां टाइमिंग का होता है, वहां पे उन्होंने टाइम और आपका थ्रो का रख दिया, ये क्वालिफाइंग एरिया। अगर आप क्वालिफाई कर दो, ये नहीं कि आप अपनी कंट्री के बेस्ट हो बट वहां पे आप कंपीट नहीं कर रहे हो, वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया होता है, देन यू विल बी क्वालिफाइंग। तो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक खेलना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप अपने इफ यू आर अ ओलंपियन, इट्स अ वेरी प्राइड फॉर दैट पर्टिकुलर एथलीट, ठीक है। तो वो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, इसका मेन हमारा मोटिव ये होता है कि हमने जो टैलेंट है, आपने वो देखा होगा अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ छोटे बच्चों का, चाइना का अगर आप उनका कोचिंग का स्टैंडर्ड देखो, अगर आप कभी आप यूट्यूब पे देखना, वो
किसी ने उन पे एक आर्टिकल लिखा है कि जैसे एक आप कह लो भी हम किसी पे वो करते हैं ना क्रूर, मतलब कि उसको बच्चों को उनके ऊपर चढ़ के उनकी लेग्स को ऐसे फोड़, बिल्कुल ऐसे कर दिए, आप देख नहीं सकते हो जो उनकी ट्रेनिंग का सेशन है। आपने कभी उस पे देखना यूट्यूब पे या कहीं पे कहीं वीडियो बच्चों की आती हो, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों पे, उन्होंने सारे इक्विपमेंट रखे वहीं पे उनको कराई जा रहे हैं। वो छोटे बच्चों से अप टू 13, 14, 15 लेवल तक, तो 15, 16 तक वो ओलंपिक में मेडल ले लेते हैं। जहां पे हमारे बच्चे 15, 16 पे आके सीखते हैं, वो देखते हैं। अब आपने नीरज का देखा, चोपड़े का जो जेवलियन है, क्या कॉस्ट है उसकी, जेवलियन थ्रो थ्रो जो उसका है, उसकी कॉस्ट पता क्या है, इन लैक्स। अब आप सोचो उसमें क्या होगा, लाख रुपए का एक जेवलियन थ्रो, कुछ तो होगा ही है। आपने जो वेपन देखे हैं आर्चरी के, इंडिया की जो दीपा लड़की है, शी इज अ वर्ल्ड चैंपियन, रैंक नंबर 1, वहां पे मेडल नहीं है। आपका जो इक्विपमेंट होता है जो फॉरेन में, वो क्या करते हैं, वो एक एक चीज को, अब जैसे आपकी वहां पे आपने कभी देखा है, सुना है आपने, वहां पे एक आता है विद एयर अगेंस्ट एयर, आप साइंस स्टूडेंट हो ना, उसमें जब आपकी विंड होती है, विंड का बहुत रोल होता है। अगर आपने कोई शूटिंग करनी है, वहां की विंड की स्पीड, वो इतना एडवांस उनकी टेक्निक होती है। हमारे तो अब चलो शुरू हो गया, हमारे भी, अदरवाइज हमारे क्या, वही पुरानी गन, वही आर्चरी वालों के इक्विपमेंट है, जहां पे वो पूरी चीज को एनालाइज नहीं कर सकते थे। बट नाउ डेज इंडियन गवर्नमेंट आपको बहुत प्रमोट कर रही है, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, टैलेंटेड है, उसको स्टेट वे वो फॉरेन भेज देती है, जो वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर है। आपको पता है कि इसमें टैलेंट है, नीरज का उनको पता था, चोपड़ा इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन यूथ गेम्स, वो ऐसे नहीं गोल्ड आ गया उसका, वो पीछे एशियन गेम्स से मेडल ला रहा था, वर्ल्ड चैंपियनशिप यूथ में उसका मेडल था, तो उन्होंने देखा इसमें पोटेंशियल है, उसको उसी टाइम उन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट कोच दे दिया। अपनी देखो, जर्मन वालों ने अपने को नहीं हायर किया उसको, कोच को जिसका 100 मीटर से ऊपर रिकॉर्ड है उसका, अभी उसके देख लो वर्ल्ड मेडलिस्ट जो गोल्ड का ओलंपियन, वो 10 मीटर पीछे है अभी उससे, कोच से 10 से भी ज्यादा, ठीक है। तो वो उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फटाफट हायर कर लिया। इवन जर्मन का जो इससे अच्छा लड़का, जो पीछे उसने 90+10 थ्रो मारी है उसने लास्ट ईयर, वो अपनी बेस्ट थ्रो से पीछे आ गया। सेम आपका बैडमिंटन में इंडोनेशियन को कोच है फॉरेन का, वो उसके साथ है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने देख लिया टैलेंट है, फटाफट पिक कर लिया। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंडियन को आई है, जब वो शूटिंग करते हैं हल्की सी भी विंड का वहां ज्यादा फ्लो हो गया, तो आपका वहां पे तो टारगेट देखा कैसे होते हैं, हल्का सा भी आपका इधर हो गया। सेम इन द केस ऑफ लॉन्ग जंप, आप लॉन्ग जंप मार रहे हो, आपका पीछे से एयर की डायरेक्शन क्या है, सामने से क्या है, साइड से क्या है, उसमें एयर का आपका, अगर आपने देखा शायद नहीं होगा, लॉन्ग जंप वुमेन की देखी है किसी ने, लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप, अभी ये वाली ओलंपिक्स की देखी है ना, तो वहां देखा कितना, कैसा कितना होता है डिस्टेंस सेंटीमीटर्स का। हाई जंप में देखा आपने, हाई जंप में अभी तो उसने रिकॉर्ड ही बना दिया, और दूसरा इंजर्ड हो गया, उसने शेयर कर दिया गोल्ड मेडल। अभी सोच सकते हो आप जिंदगी में ओलंपिक में कोई अपना गोल्ड मेडल ही शेयर कर गया, उसने कहा ही इज ऑल्सो बेस्ट, उसको इंजरी हो गई है, उसने नेक्स्ट जम्प के लिए ही रिफ्यूज। ओलंपिक के लिए मर जाते हैं लोग, इतनी प्रैक्टिस करते करते हैं, 4-4 साल से अपने कंट्री का प्राइड, बट ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इसीलिए जो बोलते हैं ना, जो स्पोर्ट्स करता है बच्चा, वो बहुत डिसिप्लिन होता है, वो कभी भी अपने सामने अपने बड़ों की इंसल्ट नहीं करेगा, जिसने कोचिंग ली हो प्रॉपर, जो कहीं सेंटर पे गया हो, क्योंकि वहां पे मार भी पड़ती है, वहां सब कुछ होता है, ठीक है। यहाँ स्कूल में तो आपको कोई थोड़ी ऊंची आवाज में भी बोल दोगे ना, तो आप आगे से टीचर को आर्गुमेंट करोगे, घर में चाहे आप जो मर्जी करते रहो, इफ यू स्पेंड 2-3 ईयर्स इन बेस्ट कोचिंग सेंटर, तो आपको पता लग जाएगा अभी क्या है क्या नहीं है। वो कोई अपने घर के लिए या हम अपने लिए थोड़ा ना कुछ करते हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, वो सेम इन द रोल ऑफ कोचिस।
कभी भी आपने देख लेना कोई कोचिंग सेंटर में लड़का लगा के आया होगा, कहीं कैंप लगाए, वो आप उसको पता होगा मैंने बड़ों से कैसे बात करनी क्या है। तो ये एक डिसिप्लिन होता है। अगर आपने टीम में खेलना है, आप टीम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हो तो आप जीरो। सिंपल है। स्पोर्ट्स बहुत कुछ आपको सिखाती है। और अभी आपको बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ाई करो जो भी करो कहते, पर लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। आप जो मर्जी पढ़ो, आपकी जहां मर्जी जॉब हो, बट एटलीस्ट आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। जो आपको आने वाला टाइम है वो तो और भी वर्स से वर्स हो रहा है। एज पर द फिटनेस, एज पर द योर ऑर्गेन सिस्टम्स, आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका डेली लाइफस्टाइल है वो क्या है, आप अपना ही सुबह उठ के एक बार लिख दो जरा कॉपी पे, मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ शाम तक, आपका कितना वॉकिंग का है, रनिंग एक्सरसाइज छोड़ दो भी, आप पैदल ही कितना चलते हो, आप अपना वीक का एक शेड्यूल बनाना जरा, उसमें लिखो कितना आपका एक्सरसाइज, तो छोड़ो एक आधा कोई करता होगा पर आप वॉकिंग भी नहीं करते होंगे। ये आपका लाइफस्टाइल है। और ये कब पता लगेगा, जब 40 के बाद जाओगे, 50 के बाद आप आगे जाओगे। आपने पुराने बुजुर्ग घर पे अपने देखे होंगे 70-80+ है, विदाउट स्टिक, खाना पीना बाहर अंदर सब करते हैं। और अब क्या है, 35-40, 35-40 छोड़ो, अभी एक MBBS का लड़का है उसको हार्ट अटैक हो गया, वो तो 40 के बाद तो BP, शुगर, स्पॉन्डेलाइटिस, बैक पेन, अर्थराइटिस, नीज प्रॉब्लम, ये कॉमन होगी। आपको कोई 50 के प्लस रेयर होगा जो कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, बहुत रेयर और बहुत अच्छा होगा वो। अदरवाइज BP, शुगर, ये पहले हम बोलते थे जी हाँ जी ये वेस्टर्न स्टाइल, ये आपका बर्गर पिज्जा, वो सब यहाँ पे हो गया। घर पे बच्चे, माँ बाप घर से बाहर है, एक फोन मारा आ गया बंदा, ले आओ जी पिज्जा, ले आओ खाओ पियो, चलो खत्म। घर वाले खाना खा लिया, खा लिया जी। इवन ये स्पोर्ट्स में अब शुरू हो गया, कहीं खेलने जाते हैं बच्चे, वहां पे क्या करते हैं, अपने जहां स्टे किया ऑर्डर कर देते हैं, चलो जी इजी वे हो गया, टेस्टी हो गया, बट उसका इफेक्ट क्या है वो आपको बाद में लेटर स्टेज में पता लगता है। इसीलिए आपको मैं बार बार 2 साल से यही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा एक स्कीपिंग, सीटअप्स, पुशअप्स, वॉकिंग, साइकिलिंग है तो साइकिलिंग जरूर करो। जब आप भागोगे, वॉकिंग का कोई एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपको कोई बोलते हैं जी हम सुबह बहुत सैर करते हैं, नो यूज, नथिंग। सैर करने से कुछ भी आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। इफ यू आर डूइंग वॉकिंग इन द मॉर्निंग, नो यूज। ब्रिस्क वॉकिंग, इफ यू आर डूइंग ब्रिस्क वॉकिंग, इफ यू आर डूइंग रनिंग और जॉगिंग, दैट विल यूजफुल फॉर योर बॉडी। अदरवाइज आप ऐसे वॉक कर रहे हो कुछ भी नहीं, कोई ऑर्गन्स पे आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब तक आप तेज वॉकिंग नहीं करोगे, जब आपका हार्ट बीट 140+ नहीं जाएगी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ब्रिस्क वॉकिंग हम प्रेफर करते हैं। आप जितना रनिंग जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग, घरों पे कईयों ने रखे हैं अपने जॉगर्स रखे हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं करते हैं जिनके घर पे, ये नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन है, दोज हु आर फिजिकली जो फिटनेस अवेयरनेस पे अपना हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत से लोग है करते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक चीज है। हमारा मेन पर्पज आपको ये नहीं है कि हमने स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है आपको। फिजिकल आपने सब्जेक्ट रखा है, एट लीस्ट आपको ये पता होना चाहिए मेरे बॉडी में ये मसल्स है, मेरे बॉडी की ये एक्सरसाइज से ये मसल स्ट्रेंथनिंग होती है। मेरे को ट्रेनिंग का पता होना चाहिए। अगर मैंने किसी कोई मुझसे पूछ ले यार इसको स्पीड को इंक्रीज करना है या इसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, 5 कंपोनेंट है आपके पूरे फिजिकल फिटनेस के, कौन कौन से है? वन मोर, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन।
जब इन चारों चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा फिर कोई फायदा ही नहीं। और कोऑर्डिनेशन का रोल आपका फाइन टेक्निक्स को एग्जीक्यूट करने में काम आता है। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास इंडोरेंस है, स्पीड है, बट आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपका बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है, देन जो आपकी स्किल्स हैं वो रिफाइन यूजफुल जिसको बोलते हैं, जिसको आपने एक टॉप लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, वो नहीं होगी। हाँ, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन आपका होना बहुत जरूरी है। जैसे आप बॉडी ड्रिबल कर रहे हैं, बॉडी ड्रिबल कर रहे हो, ओपोनेंट पे आप आईज रख रहे हो, आपने अपने प्लेयर्स को भी देखना है, पास भी करना है, रनिंग भी करनी है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। हाँ, कंट्रोल विद द स्पीड एंड स्ट्रेंथ। तो ये चीजें बेसिक्स है, अगर आपने इसको इम्प्रूव करना है, किसी बच्चे को या आपको कोई पूछ ले, मैं आपने 2 साल फिजिकल पढ़ाया, जरा बताना जरा इसको हमने इसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, क्या बोलोगे? पता होना चाहिए क्या, तभी बताओगे ना। अगर आपने कंसंट्रेशन इम्प्रूव करनी है, विच टाइप ऑफ टेक्निक यू यूज? स्टेबिलिटी कैसे? हाँ, योगा करोगे? हाँ, और क्या करोगे? यू नो व्हाट इज टेम्परामेंट? टेम्परामेंट क्या होता है? ठीक है, टेम्परामेंट हो गया आपका, कंसंट्रेशन हो गया, ये चीजें चलती हैं जब आप एडवांस स्टेजेस पे चलते हो। कंसंट्रेशन के लिए क्या है, हर गेम में कंसंट्रेशन के लिए स्किल्स बनी है। स्पोर्ट्स सिंपल है आपको, जब आपके बैट्समैन बैटिंग करने जाते हैं तो बॉल को लेके ऐसे टैप करता है, वो बॉल को देखता रहेगा, टैपिंग करेगा। ठीक है, हॉकी प्लेयर्स है, उसका भी रोल है, बॉलर्स है, सिंगल विकेट पे बॉल कर रहा है। ठीक है, आपके जो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, अपने विदाउट रिंग को दे के बास्केट शूट करेंगे। ये आपकी एक बॉडी की मूवमेंट ऐसी बन जाती है कि ऑटोमेटिकली आपका एंगल वहां पे, वो आपके मूवमेंट्स बॉडी की वैसी बन जाती है। तो वो कंसंट्रेशन आप करके, उसका टेम्परामेंट मतलब आपने राइट टाइम पे राइट सिचुएशन पे अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, आपके पास स्किल है, आपके पास हर चीज है, बट आपको ये चीज नहीं पता कब आपने इसको एग्जीक्यूट करना, कहां पे करना है, कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। जो बड़े प्लेयर बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं, आपके पास भी शॉट है पर आपको ये पता नहीं मैंने गलत बॉल को मार दिया। आपका चॉइस ऑफ द शॉट, एग्जीक्यूशन ऑफ योर शॉट इज नॉट अप टू द मार्क, आप मार खाओगे। स्किल आपके पास है, टेक्निक्स आपके पास है, पर एग्जीक्यूशन भी आपका होना बहुत जरूरी है। आपने कहीं देखा ना, बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत हमारे पास ऐसे आते हैं, दे आर वेरी गुड, बट व्हेन देयर इज अ मैच मार पड़ जाएगी, ये दूसरा प्लेयर बड़ा अच्छा है, हार तो नहीं जाऊंगा, उसका रैंक बड़ा अच्छा है जी। ठीक है ना, वो आधे अपने आप ही डर जाते हैं, अपनी गेम ही भूल जाते हैं। और आप उनसे ज्यादा अच्छे हो किसी चीज में, वो चीज आप भूल जाते हो अपने माइंड से, उसकी अच्छी चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। आपको मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, मेरे ख्याल आप थे कि बताया था, किसी प्लेयर का बॉक्सिंग में मैच हो गया, इंडिया का कोई प्लेयर था, तो उसके क्या था, यहाँ पे लिखा है इंडिया, शॉर्ट्स पे लिखा है इंडिया। ठीक है, जो इंटरनेशनल, जैसे आप पंजाब खेलोगे आपके पीछे पंजाब लिखा होगा टी शर्ट पे, तो पता होता है ये लड़का पंजाब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समटाइम यहाँ ग्लव्स पे लिखा है, लोगो बना है। तो जो लड़का दूसरा था वो भी बहुत इक्वली टैलेंटेड, उसके कोच ने उसको सब कुछ समझाया, तो उसने सिर्फ एक चीज उसको कही, अगर ये इंडिया आपने अपने टी शर्ट पे लगाना है ना, अपने ग्लव्स पे लगाना है, तो ये सामने वाले का आपको सिर्फ फेस दिखना चाहिए, इसको हराओगे तो यही चीज टी शर्ट आपको मिल जाए। मोटिवेट करने का तरीका, इसका कहते इंडिया छोड़ दे तू, अगर तूने अपने टी शर्ट में इंडिया लगवाना है ना, तो ये तेरा डू एंड डाई है, आप उसका फेस टारगेट देख लो बस। जो उसको डर था इंडिया इंडिया देखने का, उसके दिमाग में क्या आ गया, मैं इसको हराऊंगा, मैं इंडिया खेलूंगा।
एंड ही वॉन। उसके बाद उसने लिखा है जितने आपकी हरियाणा से जो बॉक्सर रेसलर अभी देखा वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़की मलिक ने फाइनल गई है, वहां पे एक ट्रेंड है, वहां जो गांव है वहां पे गांव में बच्चों को वो पढ़ाएंगे बाद में, पहले बोलेंगे चल बॉक्सिंग सेंटर में, चल आप रेसलिंग, चल हॉकी में। अभी ये हॉकी की लड़की देखी ओलंपिक की, उसको रिफ्यूज कर दिया था, वो खेलने गई कहते मैंने हॉकी खेलनी है, तो वेट कितना था उसका 35 kg, 35, कहते जाके कुछ पहले खाओ पियो, कुछ थोड़ी सी तगड़ी हो जाए उसके बाद खेलना, नहीं तो तू खेल ही नहीं सकेगी, और हॉकी गेम कैसी। अगेन शीट राइट, फिर वो किसी को कह के, लोगों को कह के वहीं पे पानीपत सोनीपत के पास एकेडमी है वहां पे उसने अप्रोच किया, पहले तो उसको वहां पे फिर उन्होंने थोड़ा खेल के साल एक लगा के, तो वहां पे दैट एकेडमी इज द वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी जहां से इंडिया में हर साल लड़कियां खेलती हैं, जैसे आपके जलंधर से सुरजीत एकेडमी है, यहाँ से हर साल आपको इंडिया में हॉकी टीम में यहाँ से बच्चे खेलेंगे, अभी भी आधी टीम आपकी यहीं की है, कैप्टन भी आपका यहीं का है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ कोच है इंटरनेशनल कोच है, उन्होंने उसको थोड़ा पहले डांटा बोला किया कर सकेगी नहीं करेगी, उसकी जो अभी उन्होंने उसने अपनी सारे इंटरव्यू में बताया, वेन वो 16 साल की थी, हाँ वो यंगेस्ट है इंडिया टीम में वो लड़की, तो जब उसकी सिलेक्शन हो रही थी इंडियन टीम का जो पैनलाइज बैठे थे उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी है, तो उसको क्या किया उन्होंने, कहते इसको चांस नेक्स्ट टाइम दे देंगे ओलंपिक है, इट्स अ वेरी बिग एक आपका वो होता है इवेंट, बट जो चीफ कोच था उसने उसको कैंप में रख लिया, कैंप में होते हैं 25-30 बच्चे रख लेते हैं 30-35, कहते आपको मैंने टीम में रख लिया है और टीम में आपने अपनी वर्थ शो करनी है ताकि मेरा भी मेरी भी इज्जत रह जाए, उसको उनको पता लग गया कि इसमें टैलेंट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एंड शी डिड अ मार्वेलस जॉब इन ट्रेनिंग सेशन, जो उनका कोचिंग कैंप लगा उसमें उसने इतना अच्छा मतलब परफॉर्म किया एंड सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम, और इंडियन टीम की भी विनिंग में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। तो ये टैलेंट होता है, ये मोटिवेशन होता है, आपके टैलेंट को देखना कोचिस का काम है, कोचिस ने आपको मोटिवेट करना है, आप उस पर अगर आप 100% अपना देते हो उसके बाद देख लो कहाँ है वो। अब जितना भी वहां को जॉब है उसको डायरेक्ट DSP को ऑफर आ गई है, कोई इंडियन एयरलाइन से ऑफर आ गई है, अभी वो मेरे ख्याल 19 की 20 ईयर्स की हुई है, तो आप ये देखो कहाँ पे उनका जाएगा, अगर वो पुलिस ज्वाइन करती कहीं भी करती, बट आपको शो करना पड़ता है, ये नहीं कि आपको ये सोचो कि सब राम भरोसे हैं जी, बहुत छोटी एज में टैलेंट आपका पता लग जाता है। अभी कल मैं ये देख रहा था कोई स्कूल है आपका MP में कि कहीं पे वर्ल्ड में, उस स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो दोनों हैंड से लिखते हैं, दोनों बोथ हैंड दे आर राइटिंग साइमल्टेनियसली, स्पीड उनकी ऐसे है, उनका गिनीज बुक में नेम है, पता नहीं 100 कितने वर्ड वो उसमें लिखते हैं, और वहां पे जो एक टीचर था उसको देखो कहां से मोटिवेशन मिली है, कहते हैं हमारे प्रेसिडेंट है वो लिखते थे, मैंने सुना भी 2 हाथ से भी लिख सकते हैं, तो ये मतलब ये एक आपकी सोच है एक विजन है कि आपने ये चीज पकड़ ली है। उसने क्या किया स्कूल में बच्चों को शुरू करा दिया, अब वहां पे स्कूल में वो सारे बच्चे ही ऐसे, उनको तुम लिखाओ वो बोर्ड पे ऐसे लिख रहे हैं कॉपियों पे, मतलब ऐसे हो जैसे टाइप कोई कंप्यूटर करते हैं ना टाइप सेम, और एक वर्ड में एक रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक में भी, यहाँ पे ऐसे बच्चे टैलेंट। आप ये देखो आपका माइंड ऐसे कैसे कर रहा है, आपको अगर हम एक चीज बोलते हैं वो चीज सुन के आप लिखते हो करते हो ना, वो दोनों चीजें कैसे लिख रहे हैं। आपने कहीं देखा होगा राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग कर रहे हैं राइट हैंड से बैटिंग कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, ये नहीं कि गली मोहल्ले की मैचों में, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया हुआ, ठीक है। तो ये कोचिंग का ट्रेनिंग का और फिजिकल एजुकेशन का आपको सेकंड ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ योर स्पोर्ट्स कोचेस टीचर्स, इनको मैंने कल भी बताया था, इफ यू वांट टू डू मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन देन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया दैट इज डीन यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन लक्ष्मीबाई ग्वालियर, ठीक है। बाकी ऑल द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो UGC के अंडर है,
और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, ग्राउंड टेस्ट, ग्रेजुएशन प्लस योर स्पोर्ट्स के आपके जो मेडल हैं, आपके नेशनल्स हैं, इंटर यूनिवर्सिटीज हैं। और ये इतना अच्छा स्कोप है जो बच्चे खेलते हैं अभी यहाँ से, तो आपके शायद आने वाले टाइम में आपके स्पोर्ट्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी खुल जाए, अनाउंस तो हो गया है, यहाँ पे सारा शुरू हो जाएगा आपका, बीपीएड एमपीएड कोचिंग के जितने भी कोर्सेज हैं अनाउंसमेंट होगी है, बाकी देखो डिपेंड करता है।